नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर फिल्म 2020 में आपका स्वागत है। आर्ट एंड कल्चर के रिवीजन का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इस वीडियो में हम जुलाई महीने के आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आप रिवीजन वीडियोज़ की PDF डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से या फिर onlyice.com पर जाकर, और वहीं पर आप इन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। फाउंडेशन कोर्स कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स सिलेबस विद टेस्ट सीरीज, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और मेंस बूस्टर प्रोग्राम। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप onlyice.sales@gmail.com पर पूछ सकते हो। ये लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल महाराजा रंजीत सिंह के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? महाराजा रंजीत सिंह का एक स्टैचू यानी मूर्ति इस्टेब्लिश की गई कहाँ पर? पाकिस्तान में, उनकी 180वीं डेथ एनिवर्सरी पर। हम बात करें महाराजा रंजीत सिंह के बारे में, इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1780 में। अभी फिलहाल पाकिस्तान में एक जगह है गुजरनवाला, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उस समय देखो पंजाब में मुगल जो एम्पायर है वो तो कोलैप्स हो चुका था। पंजाब की टेरिटरी विभिन्न मिसल्स में डिवाइडेड थी जो कि आपस में लड़ते रहते थे। रंजीत सिंह ने आपस में लड़ने वाले इन मिसल्स को हराकर पूरी सिख एम्पायर को यूनिफाई कर दिया। और एक समय देखो ऐसा था जब सिख एम्पायर के अंडर लाहौर, मुल्तान, काबुल और पूरा का पूरा पेशावर आता था। इन्होंने देखो लाहौर सिटी को आज़ाद करवाया अफगान इन्वेडर से, और इसके बाद इनको उपाधि दी गई लायन ऑफ पंजाब की यानी शेरे पंजाब की। महाराजा रंजीत सिंह ने बहुत ही मॉडर्न आर्मी को रेस किया। ट्रेडिशनल खालसा आर्मी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के साथ साथ वेस्टर्न कंट्रीज की आर्मी ने जो काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट की थी वारफेयर में, उसको भी कंबाइन किया गया महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा। यूरोपियन कंट्रीज के ऑफिसर्स को इनवाइट किया गया अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए, खास करके फ्रांस के ऑफिसर्स को। फ्रेंच जनरल जीन फ्रेंकिस अलार्ड को बुलवाया गया था, अपॉइंट किया गया था महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए। महाराजा रंजीत सिंह देखो न्यायप्रिय इंसान थे, उनके रूल को जाना जाता है सेकुलर रूल के लिए। उन्होंने अपने दरबार में बड़ी पावरफुल पोजीशंस पे हिंदुओं और मुस्लिम्स को भी अपॉइंट किया। आमतौर पे उस समय क्या होता था, इस प्रकार का सेकुलरिज्म कम ही देखने को मिलता था। जो मुस्लिम रूलर थे वो अपने दरबार में बड़ी पोजीशंस पर मुस्लिमों को अपॉइंट करते थे, और जो हिंदू रूलर्स थे बड़ी पोजीशन पर हिंदू रूलर्स को अपॉइंट करते थे। मतलब एक्सेप्शंस तो हर जगह हैं, जैसे अकबर का रूल हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज का रूल हुआ। इसके अलावा देखो एडिशनल डिटेल्स हम डिस्कस करें महाराजा रंजीत सिंह के बारे में। अमृतसर में जो अभी फिलहाल गोल्डन टेम्पल है ना, गोल्डन टेम्पल का नाम हरमिंदर साहिब भी है। हरमिंदर साहिब पर सोने की परत महाराज रंजीत सिंह के द्वारा ही चढ़वाई गई थी, और उसी के बाद हरमिंदर साहिब का नाम गोल्डन टेम्पल हुआ था। समझ गए? फिर से बोलता हूँ, देखो आज जिसे आप गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हो, गोल्डन टेम्पल का नाम हरमिंदर साहिब भी है। और महाराजा रंजीत सिंह ने हरमिंदर साहिब को सोने से कवर करवाया था, और उसी के बाद हरमिंदर साहिब का नाम पड़ा था गोल्डन टेम्पल, जो कि अमृतसर में है। इसके अलावा देखो एक और पवित्र गुरुद्वारा है महाराष्ट्र के नांदेड़ में, ये गुरु गोविंद सिंह का फाइनल रेस्टिंग प्लेस है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है जिसका नाम है हजूर साहिब गुरुद्वारा। इस गुरुद्वारे को बनवाने के लिए पैसा देने का श्रेय भी जाता है महाराजा रंजीत सिंह को, यानी फंडिंग की गई थी महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा इस गुरुद्वारे को बनवाने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया महाराजा रंजीत सिंह के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में है। इस रथ यात्रा को देखो फेस्टिवल ऑफ चैरियट्स के नाम से भी जाना जाता है। भगवान जगन्नाथ के सम्मान में ये रथ यात्रा निकाली जाती है। इस रथ यात्रा में देखो तीन रथ एक साथ चलते हैं। एक रथ होता है भगवान जगन्नाथ का, दूसरा रथ होता है भगवान जगन्नाथ की जो सिस्टर हैं गोडेस सुभद्रा का, और तीसरा रथ होता है भगवान जगन्नाथ के जो बड़े भाई हैं बालाभद्रा का। तो तीन रथ आप तस्वीर में देख सकते हो एक साथ चलते हैं, और रथों के नाम भी हैं भगवान
जगन्नाथ का जो रथ होता है उसे नंदी घोष के नाम से जाना जाता है, और गोडेस सुभद्रा का जो रथ होता है उसे तल धवजा के नाम से जाना जाता है, और सबसे लास्ट में भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई का जो रथ होता है उसे देव दालना के नाम से जाना जाता है। हर एक साल देखो नए रथ तैयार किए जाते हैं तीनों डिटीज़ के लिए, लकड़ी की सहायता से ये रथ तैयार किए जाते हैं, यानी लकड़ी से बने होते हैं। आर्किटेक्ट जो है रथों का वो सेम रहता है, और इन रथों को देखो चार घोड़े खींचते हैं, मतलब हर एक रथ को चार घोड़े खींचते हैं, और ये जो घोड़े हैं वो लकड़ी के बने होते हैं, समझ गए। तो नेक्स्ट आर्टिकल मराठी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देने से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कल्चर एंड टूरिज्म ने ये कहा कि देखो मराठी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देने संबंधित जो प्रपोजल है उसे अभी एक्टिवली कंसिडर किया जा रहा है। इसी प्रकार का आर्टिकल हमने जनवरी में डिस्कस किया था, उस आर्टिकल को आप रिवाइज कर लीजिए। महाराष्ट्र सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को एक प्रपोजल सेंड किया है कि आप मराठी लैंग्वेज को भी क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दीजिए। अभी देखो कल्चरल डिपार्टमेंट ने, कल्चरल मिनिस्ट्री ने 6 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया हुआ है। सबसे पहले तमिल को दिया था 2004 में, उसके बाद तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, संस्कृत। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है कि किस लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। 2014 में भी क्वेश्चन पूछा था और 2015 में भी, तो इंपॉर्टेंट है ये। अब क्राइटेरियाज की बात करते हैं कि क्राइटेरियाज क्या है किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देने के लिए। सबसे पहले वो लैंग्वेज 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए, यानी कि उस लैंग्वेज का 1500 से 2000 साल पुराना कुछ लिटरेचर, कुछ टेक्स्ट का रिकॉर्ड होना चाहिए, और जो ये एंसेंट लिटरेचर और जो टेक्स्ट का रिकॉर्ड है उस लैंग्वेज का 1500 से 2000 साल पुराना, कई सारी जनरेशन जो उसके बाद में आई उन जनरेशन के द्वारा उस लैंग्वेज के रिकॉर्ड को हेरिटेज के तौर पे माना गया हो, वैल्यूएबल माना गया हो उस एंसेंट लिटरेचर को। जैसे कि तमिल का जो संगम लिटरेचर है काफी पुराना है, संगम लिटरेचर को जो तमिलियंस हैं वो एक हेरिटेज के तौर पे मानते हैं, समझ गए। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, ओरिजिनल होना चाहिए उस लैंग्वेज का लिटरेचर। ऐसा नहीं कि किसी दूसरी स्पीचिंग कम्युनिटी या फिर किसी दूसरी लैंग्वेज से बोरो किया हो, लिटरेचर जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसके बेस पे किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जा सकता है। अब बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। अगर किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाता है तो फायदे क्या हो सकते हैं उस लैंग्वेज को। वन टाइम ग्रांट दी जा सकती है 100 करोड़ की। मान लीजिए अभी जैसे महाराष्ट्र सरकार ने मांग की है कि मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया जाए, अगर कल्चरल मिनिस्ट्री मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे देती है तो 100 करोड़ रुपए की वन टाइम ग्रांट दी जाएगी, ताकि मराठी में और ज्यादा रिसर्च हो सके, मराठी के बारे में और ज्यादा रिसर्च हो सके, मराठी को डेवलप किया जा सके और ज्यादा। उसके बाद अगर किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाता है तो उस लैंग्वेज के जो एमिनेंट सेकुलर्स होंगे उन सेकुलर्स को हर एक साल 2 मेजर इंटरनेशनल अवार्ड्स दिए जाएंगे। उस लैंग्वेज के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं, और सबसे लास्ट में यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से रिक्वेस्ट की जा सकती है कि आप एटलीस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कुछ प्रोफेशनल चेयर्स उस लैंग्वेज के लिए एस्टैब्लिश कीजिए, ताकि उस लैंग्वेज में के बारे में और ज्यादा रिसर्च हो सके, उस लैंग्वेज को और ज्यादा डेवलप किया जा सके। तो ये सारे हमने फायदे डिस्कस किए कि अगर किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाता है तो उस लैंग्वेज को क्या बेनिफिट्स होंगे। मराठी लैंग्वेज के बारे में हम थोड़ा सा अगर डिस्कस करें, ये देखो महाराष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज है और गोवा की को ऑफिशियल लैंग्वेज है। कहाँ से निकलती है मराठी लैंग्वेज? महाराष्ट्री प्राकृत से निकलती है मराठी लैंग्वेज। मराठी लिटरेचर जो बुक्स हैं उनको देखो देवनागरी स्क्रिप्ट में प्रिंट किया जाता है, और हैंडराइटिंग के लिए इसी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे देखो हैंडराइटिंग के लिए देवनागरी स्क्रिप्ट की एक अल्टरनेटिव कर्सिव फॉर्म भी है जिसका नाम है मोदी, इसका इस्तेमाल भी होता है मराठी लैंग्वेज को लिखने के लिए। मराठी लैंग्वेज को प्रोमिनेंस प्राप्त हुई यानी मराठी लैंग्वेज फेमस हुई जब मराठा एम्पायर का उदय होता है 1674 में, जब छत्रपति शिवाजी का रूल आता है। तो ये हमने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डिस्कस की मराठी लैंग्वेज के बारे में। क्वेश्चन आप आसानी से हैंडल कर सकते हो, 2015 में ये क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था। आपको ये बताना है इनमें से कौन सी लैंग्वेज को हाल ही में क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है। तो इसका आंसर होगा ओडिया ए। 20 फरवरी 2014 को ओडिया 6th लैंग्वेज बन गई थी क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस प्राप्त करने वाली। न्यूज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? राजस्थान की राजधानी
गुलाबी शहर जयपुर को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दे दिया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 43rd सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था अजरबैजान के शहर बाकू में। मैप में आप लोकेशन देख लीजिए, यहाँ पर ये कैस्पियन सी है और ऊपर रशिया है, नीचे है अजरबैजान। अजरबैजान का शहर है बाकू। यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 43rd सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था और इसी सेशन में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग देने के लिए अप्रूवल दे दिया गया। जयपुर हमारे देश में देखो 38th यानी 38वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जयपुर से पहले 37 साइट्स हैं जिनको ऑलरेडी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिल चुका है। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, 30 साइट्स तो ऐसी हैं जिनको कल्चरल प्रॉपर्टीज़ की वजह से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला, 7 साइट्स ऐसी हैं जिनको नेचुरल प्रॉपर्टीज़ की वजह से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला, और 1 साइट ऐसी है कंचनजंगा जिसको मिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला। तो अब टोटल संख्या हो गई है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की हमारे देश में 38। जयपुर की खास करके हम बात करें, जयपुर को देखो राजा जयसिंह के द्वारा इस्टाब्लिश किया गया था 1727 में। देखो इस रीजन में कई सारी दूसरी सिटीज़ भी हैं लेकिन उन सिटीज़ को इस्टाब्लिश किया गया था मिलिट्री डायमेंशन को देखते हुए, लेकिन जयपुर सिटी को स्पेशली इस्टाब्लिश किया गया था प्लेन एरिया में। बाकी काफ़ी सारी सिटीज़ राजस्थान में आपने देखी होंगी वो हिली एरिया में हैं, वहाँ पर फोर्ट भी इस्टाब्लिश किए गए हैं ताकि अगर दूसरा कोई राज्य का राजा आक्रमण करता है तो फोर्ट की सुरक्षा की जा सके। लेकिन जयपुर को स्पेशली इस्टाब्लिश किया गया था प्लेन एरियाज में ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए। अभी तक देखो वर्ल्ड में 167 कंट्रीज में 1092 साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिल चुका है। यूनेस्को की एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स ICOMOS। इस ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशंस के बाद किसी भी सिटी को या फिर किसी भी एरिया को यूनिक हेरिटेज के कारण वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में शामिल किया जा सकता है। जयपुर सिटी को अर्बन प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए जाना जाता है पूरे साउथ एशिया में, और काफ़ी सारे आइकॉनिक मोन्यूमेंट्स हैं जयपुर में, जैसे गोविंद देव टेम्पल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल, ये सब जयपुर में हैं। जयपुर के साथ साथ देखो इराक की एक और सिटी बेबीलोन। बेबीलोन देखो 4000 साल पुरानी एंशियंट मेसोपोटामियम सिटी है। इराक 1983 से ही मांग करता आ रहा है एंशियंट मेसोपोटामियम सिटी बेबीलोन को भी वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिले। अब जाके यूनेस्को के द्वारा बेबीलोन सिटी को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दे दिया गया है। लोकेशन आप देख लीजिए, ये इराक का मैप है, ये बगदाद है, इराक की राजधानी है, और नीचे बेबीलोन है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सपोर्टी स्कीम के बारे में है, क्या कंटेस्ट है। बजट 2019-20 में सरकार की तरफ से ये अनाउंस किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करने के लिए और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को रिवाइव करने के लिए सफूर्ति स्कीम के अंतर्गत 100 नए क्लस्टर्स को डेवलप किया जाएगा। इससे 50,000 जो कारीगर हैं वो इकोनॉमिक वैल्यू चेन में शामिल होंगे। सफूर्ति का देखो पूरा नाम है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़। इसको लॉन्च किया गया था 2005 में। ये जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आती है और इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन और कोयर बोर्ड के द्वारा मिलकर। स्कीम को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं, जैसे देखो हैंडीक्राफ्ट या हैंडीलूम से संबंधित कोई इंडस्ट्री है, बीड़ी इंडस्ट्री है, ईंट की इंडस्ट्री है, ये जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं ना, इन इंडस्ट्रीज को ऑर्गेनाइज करना और इन इंडस्ट्रीज के जो कारीगर हैं उनको क्लस्टर की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना। जैसे ये क्लस्टर हो बीड़ी की इंडस्ट्री का, आगे क्लस्टर हो ईंट की इंडस्ट्री का, इस प्रकार से क्लस्टर्स की फॉर्म में ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को ऑर्गेनाइज करना और जो कारीगर हैं ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के उन्हें भी ऑर्गेनाइज करना। फायदा देखो ये होगा क्लस्टर्स में ऑर्गेनाइज करने का, सरकार के द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड की जा सकेगी अलग अलग क्लस्टर्स को। सपोर्ट देखो विभिन्न तरह की हो सकती है, विभिन्न थीम्स पर आधारित हो सकती है। जैसे सरकार के द्वारा
सिखाया जा सकता है उनको कि कैसे आप अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं। टेक्निकल स्किल्स सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जा सकती हैं कि आप ये प्रोसेस अपनाइए। अब प्रोडक्शन के लिए पहले जो आप टेक्निक फॉलो कर रहे थे ये अब पुरानी हो चुकी है, आप नए इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बदलाव लेके आइए। इसके बाद देखो, जब आर्टिसंस यानी कारीगर भी विभिन्न क्लस्टर्स में ऑर्गेनाइज होंगे तो सरकार के द्वारा ट्रेनिंग दी जा सकती है उन आर्टिसंस को, उनकी स्किल्स इंप्रूव करवाने के लिए। नेक्स्ट, कॉमन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती हैं। जैसे देखो, ये क्लस्टर है बीडी इंडस्ट्री का, तो कॉमन फैसिलिटी सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जा सकती है जिससे क्लस्टर में जो भी बीडी एंटिटीज़ हैं, बीडी प्रोड्यूस करने वाली जो एंटिटीज़ हैं उनको फ़ायदा हो। सबसे लास्ट में, स्ट्रेंथनिंग द क्लस्टर गवर्नेंस सिस्टम, मतलब क्लस्टर गवर्नेंस सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत बनाया जाएगा। इन सब चीज़ों से देखो फ़ायदा ये होगा, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं वो और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होंगी और लॉन्ग टर्म तक वो सर्वाइव कर सकेंगी। अगर देखो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज सीख जाएंगी कि प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करनी है, अगर वो नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करने लगेंगी तो फिर लंबे समय तक वो सर्वाइव कर सकेंगी और कॉम्पिटिटिव रहेंगी मार्केट में। स्कीम में देखो, मैक्सिमम 8 करोड़ तक की सपोर्ट दी जा सकती है किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए सरकार के द्वारा। सबसे लास्ट में, एलिजिबल कौन है इस स्कीम के लिए? NGOs, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के फील्ड फंक्शनरीज, PRI यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट सेक्टर बाय फॉर्मिंग क्लस्टर स्पेसिफिक स्पेशल पर्पज व्हीकल्स, कॉरपोरेट्स और कॉरपोरेट स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फाउंडेशंस, ये सब एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए। तो पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सफूर्ति स्कीम के बारे में, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है पालकी प्रोसेशन के बारे में है। देखो, हर साल 10 लाख जो तीर्थयात्री हैं या फिर वर्कारी सेक्ट को फॉलो करने वाले जो श्रद्धालु हैं वो महाराष्ट्र में पालकी प्रोसेशन को ज्वाइन करते हैं आलंदी में और देहू में। ये प्रोसेशन जाता है पंढरपुर तक। फिर से बोलता हूँ, पालकी प्रोसेशन क्या है? वर्कारी सेक्ट को फॉलो करने वाले जो लोग हैं वो हर साल देखो ये प्रोसेशन निकालते हैं आलंदी और देहू से। ये प्रोसेशन स्टार्ट होता है और पहुँचता है पंढरपुर तक। देखो, ये 333 साल पुरानी परंपरा है। कौन से स्टेट में इस परंपरा को ऑब्जर्व किया जाता है? ये जो प्लेसेस हैं आलंदी, देहू, पंढरपुर, ये महाराष्ट्र में हैं। तो महाराष्ट्र में ये प्रोसेशन निकलता है पालकी प्रोसेशन। पालकी का क्या मतलब है? देखो, वर्कारी सेक्ट के जो संत हैं, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, इनके जो फुटप्रिंट्स हैं यानी पादुका हैं उनको पालकी में रखा जाता है और वर्कारी सेक्ट के जो फॉलोअर्स हैं वो इन पादुकास को लेके जाते हैं रिस्पेक्टिव श्राइन से। कहाँ पर? पंढरपुर में। संत ज्ञानेश्वर का जो प्रोसेशन है वो स्टार्ट होता है आलंदी से और संत तुकाराम का जो प्रोसेशन है वो स्टार्ट होता है देहू से। और कहाँ पे ये प्रोसेशन पहुँचते हैं? पंढरपुर में। कब? आषाढ़ी एकादशी को। वहाँ पे देखो वर्कारी सेक्ट के जो फॉलोअर्स हैं यानी जो डिवोटीज हैं, भगत हैं, वो विठल टेम्पल में विजिट करने से पहले जो पवित्र चंद्रभागा नदी है उसमें डुबकी लगाते हैं और ये यात्रा जो है वो 21 दिनों तक चलती है। वर्कारी सेक्ट के जो फॉलोअर्स हैं वो पूजते हैं भगवान विठोबा को। विठोबा जो हैं वो हिंदू गॉड हैं। तो इस प्रकार से हमने पालकी प्रोसेशन के बारे में आर्टिकल डिस्कस किया। क्वेश्चन UPSC के द्वारा संतों के बारे में पूछा जा सकता है, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, भक्ति मूवमेंट के ये संत हैं, महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं, तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल खर्ची पूजा के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? प्रधानमंत्री के द्वारा त्रिपुरा के लोगों को बधाई दी गई खर्ची पूजा के स्टार्ट होने पर। खर्ची पूजा देखो त्रिपुरा का एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। वर्ड खर्ची जो है ये ड्राइव होता है खया वर्ड से। खया वर्ड का मतलब है अर्थ। ये जो त्यौहार है त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया जाता है मदर अर्थ की वर्शिपिंग के लिए, मतलब मदर अर्थ की पूजा के लिए। इसे परफॉर्म किया जाता है अमापेची या फिर अंबुबची पीरियड के बाद। ये एक ही नाम है, आप अमापेची कह लीजिए या फिर अंबुबची कह लीजिए। क्या मतलब है अमापेची का? देखो, मदर गोडेस या फिर मदर अर्थ के मेंस्ट्रुएशन पीरियड को अमापेची कहा जाता है। त्रिपुरी मान्यता के अनुसार महिला के
मेंस्ट्रुएशन पीरियड को अपवित्र माना जाता है और मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान महिलाओं को रोका जाता है कोई शुभ काम करने से। तो देखो, मदर गोडेस का मेंस्ट्रुएशन का जो पीरियड है उसे कहा जाता है अमापेची। तो इस दौरान मदर अर्थ जो है, मदर अर्थ को भी अपवित्र माना जाता है मेंस्ट्रुएशन पीरियड के कारण। उस समय तो देखो मिट्टी में बीजों की बिजाई भी नहीं की जाती है त्रिपुरा में। तो मदर गोडेस में जो अपवित्रता आई है मेंस्ट्रुएशन पीरियड के कारण, उस अपवित्रता को खत्म करने के लिए पूजा परफॉर्म की जाती है और उसी पूजा को नाम दिया गया है खर्ची पूजा। यूपीएससी यूं पूछ सकती है, खर्ची पूजा कौन से राज्य में उज्जव की जाती है? आंसर होगा त्रिपुरा। 7 दिनों तक ये पूजा चलती है और 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। किसके द्वारा? रॉयल प्रीस्ट के द्वारा। रॉयल प्रीस्ट को कहा जाता है चंटाई। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन भी है, सिर्फ चंटाई फैमिली के जो वंशज हैं उन्हें ही चंटाई यानी रॉयल प्रीस्ट पर रहने का अधिकार है, रॉयल प्रीस्ट बनने का अधिकार है। अगर कोई चंटाई फैमिली का वंशज नहीं है तो उसे रॉयल प्रीस्ट बनने का अधिकार नहीं है। वैसे तो देखो सारे जो रिचुअल्स हैं वो ट्राइबल ओरिजिन के हैं, लेकिन ट्राइबल और नॉन ट्राइबल दोनों के द्वारा मिल के ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है खर्ची पूजा। चलते हैं आगे। एंशियंट ह्यूमन कॉग्निशन का एविडेंस मिला है चाइना में। चाइना के आर्कियोलॉजिस्ट को एक्चुअली में एक हड्डी का टुकड़ा मिला। उस हड्डी के टुकड़े में कुछ लाइनें स्क्रैच की गई थी और उन स्क्रैचेस में कुछ ऑर्क कलर फिल किया गया था। ऑर्क एक मिट्टी का कलर होता है जो कि हल्का सा गेरुआ रंग आप हिंदी में कहें तो, बाकी वो लाल या येलोइश कलर उसका होता है। तो ऐसा लग रहा है कि ये अर्ली ह्यूमंस का एविडेंस है जिन्होंने किसी चीज़ को काउंट करने के लिए लाइंस को ड्रॉ किया होगा हड्डी पर, और वो ऐसा ना हो कि दिखे ना, इसीलिए उसमें रेड कलर फिल कर दिया था ताकि उन्हें आराम से देखा जा सके। ये इंडिकेटर है मॉडर्न ह्यूमन कॉग्निशन का। ह्यूमन कॉग्निशन से मतलब ये होता है कि आप आर्ट को कैसे समझ रहे हैं, उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। कॉग्निशन एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी मदद से व्यक्ति पेंटिंग, इनकार्विंग या म्यूजिक को सीखता है। तो ये माना जा रहा है कि ये शुरुआत थी जब व्यक्ति ने बोलना सीखा या फिर चीज़ों को कम्युनिकेट करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करना सीखा। अगला आर्टिकल करतारपुर कॉरिडोर के बारे में है। ये काफ़ी न्यूज़ में है, पिछले साल से न्यूज़ में है। हाल ही में दोनों देश यानी कि इंडिया और पाकिस्तान एग्री कर चुके हैं कि एक वीज़ा फ्री करतारपुर कॉरिडोर ऑपरेशनल हो जाएगा जल्दी ही, जिसकी लिमिट 5,000 पिलग्रिम्स पर डे होगी, यानी कि 5,000 पिलग्रिम्स भारत से पाकिस्तान में जा पाएंगे करतारपुर में, और डेरा बाबा नानक पे भी पाकिस्तान से लोग आ पाएंगे। तो ये क्या है करतारपुर कॉरिडोर? क्या है ये? एक रोड लिंक है जो कि सिख पिलग्रिम्स को फेमस करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जो कि पाकिस्तान में सिचुएटेड है वहां जाने का रास्ता दे देगा। मैप में यहां पर साइड में ध्यान दीजिए, देखिए जहां पर मैं राउंड सर्किल कर रहा हूं दैट इज द लोकेशन फॉर डेरा बाबा नानक जो कि इंडिया में सिचुएटेड है। ये सिचुएटेड है गुरदासपुर अमृतसर हाईवे के नज़दीक में, यहां पर है गुरदासपुर देखिए, और ये है अमृतसर। ये जो हाईवे जा रहा है इसके नज़दीक में है डेरा बाबा नानक, और इससे 4 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान में है करतारपुर। यहाँ पर जो रेड सर्किल मैं कर रहा हूँ दैट इज़ करतारपुर, ठीक है। यहाँ पर जो रेड लाइन आपको दिखाई पड़ रही है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का, और ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ये है रावी नदी। अगर पाकिस्तान में करतारपुर में किसी को जाकर गुरुद्वारे को विजिट करना है तो ये पहले बहुत मुश्किल काम हुआ करता था, लेकिन इस 4 किलोमीटर के कॉरिडोर के बनने के बाद अब ये काम आसान हो जाएगा। 5,000 लोग हर दिन विजिट कर पाएंगे। पहले जाना तो संभव नहीं हो पाता था, तो काफ़ी ऊंचाई से लोग दूरबीन से इस गुरुद्वारे को देखा करते थे, लेकिन पाकिस्तान के साइड में कई बार बहुत लंबी लंबी ग्रासेस उगती थी तो पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ भी सपोर्ट किया करती थी, बोन ग्रासेस को कटवा दिया करते थे। तो ये तो कुछ बेसिक बैकग्राउंड हो गया ऑन मैप। तो देखिए ये 2 इंपॉर्टेंट होली साइट्स को जोड़ेगा जो कि सिखिज्म से जुड़े हुए हैं। पहला डेरा बाबा नानक जो कि इंडिया में है, और दूसरा करतारपुर जो कि पाकिस्तान में है। ये ओपन होगा पिलग्रिम्स के लिए जो इंडियन ओरिजिन के हैं उनके लिए भी, जो दूसरी कंट्री के सिटीजन हैं लेकिन वो इंडियन ओरिजिन के हैं वो भी करतारपुर विजिट कर पाएंगे। 4-लेन हाईवे बनाया जा रहा है डेरा बाबा नानक से लेकर गुरदासपुर अमृतसर हाईवे तक, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करेगा। जो लेंथ होगा इस कॉरिडोर का वो 4 किलोमीटर का होगा, जिसमें 2 किलोमीटर इंडियन साइड में होगा और 2 किलोमीटर पाकिस्तान के साइड में। उद्देश्य ये है कि 550th जो बर्थ एनिवर्सरी गुरु नानक देव जी की आने वाली है तब तक इसे कंप्लीट कर लिया जाए, और इसके तहत वीज़ा फ्री ट्रेवल अलाउ कर दिया जाए ऐसे लोगों को जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं या OCI कार्ड होल्डर्स हैं, कि वो करतारपुर गुरुद्वारे को विजिट कर पाएं।
एक साल में 5,000 पिलग्रिम्स विजिट कर पाएंगे, ऐसा मसौदा तैयार किया गया है। पिलग्रिम्स को यह भी अलाउ किया जाएगा कि वो या तो इंडिविजुअल्स के तौर पे जा सकते हैं, ग्रुप में भी जा सकते हैं। उन्हें हालांकि पैदल ही ट्रेवल करना होगा, 4 किलोमीटर की दूरी है, बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, लोग पैदल जा पाएंगे। और एक परमिट सिस्टम का भी प्रोविजन है, मतलब जो कोई भी वहां पर जाएगा उसे एक परमिट अवेल करना पड़ेगा। करतारपुर साहिब के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो ये पाकिस्तान के नरोवाल डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, रावी नदी के किनारे है। रावी नदी हमने मैप में देखी भी थी और ये 120 किलोमीटर के नॉर्थ ईस्ट में है लाहौर के। तो पहले सिख गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने यहाँ पर सिख कम्युनिटी को असेंबल किया था। वो 18 सालों तक यहाँ पर रहे जब तक उन्होंने 1539 में अपनी अंतिम सांस ली। अगला आर्टिकल सेवा भोज योजना के बारे में है। सेवा भोज योजना ऐसे तो काफ़ी पहले से न्यूज़ में है, पिछले साल भी काफ़ी हाईलाइटेड थी। अभी कंटेक्स्ट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लोकसभा को इस सेवा भोज योजना के बारे में इन्फॉर्म किया। सेवा भोज योजना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, फिर से रिपीट करता हूँ, सेवा भोज योजना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेवा भोज योजना के तहत असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगी चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को जो कि लोगों को फ्री में फूड सर्व करते हैं। देखिए टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लास्ट ईयर ये काफ़ी न्यूज़ में था और यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा। यूपीएससी ऐसा कई बार से कर रही है कि वो उस साल के बहुत हाईलाइटेड टॉपिक पर उस बार क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं बल्कि अगली बार पूछ रहे हैं। तो सेवा भोज योजना लास्ट टाइम से भी काफ़ी न्यूज़ में था, तो आप इस पर अच्छी तैयारी रखें, हो सकता है अगली बार 2020 के प्रीलिम्स में हमें इस पर एक क्वेश्चन मिले। इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा ऐसे चैरिटेबल या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को जो फ्री में फूड ऑफर करते हैं, जैसे कि गुरुद्वारास, टेम्पल्स, धार्मिक आश्रम्स, मॉस्क, दरगाह, चर्च, मठ और मोनेस्ट्रीज। देखिए कुछ स्पेसिफिक फूड आइटम्स, रॉ फूड आइटम्स जो इस स्कीम में कवर किए गए हैं वो हैं घी, एडिबल ऑयल, सूगर, बुर्रा या जैगरी, राइस, आटा, मैदा, रवा, फ्लोर या पल्सेस। ये सभी चीज़ें इस स्कीम में कवर्ड हैं। क्राइटीरिया क्या है फाइनेंशियल असिस्टेंस का? केवल वही चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं जो प्रसाद, लंगर या भंडारा के फॉर्म में, जिन्हें आप कम्युनिटी किचन भी कह सकते हैं, 5,000 लोगों को कम से कम एक महीने में पिछले 3 सालों से खाना खिलाते रहे हों। फाइनेंशियल असिस्टेंस इस स्कीम के अंडर उन इंस्टीट्यूशंस को नहीं दिया जाएगा जो किसी अन्य सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑलरेडी अवेल कर रहे हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत ब्लैकलिस्ट हो चुके हैं वो भी इस स्कीम के तहत एलिजिबल नहीं होंगे। आर्टिकल है वो मरकंडेश्वर टेम्पल के बारे में है। कंटेक्स्ट क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी रिस्टोरेशन वर्क को स्टार्ट कर दिया है मरकंडेश्वर टेम्पल में, जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। मरकंडेश्वर टेम्पल के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये रिवर वेन गंगा के बैंक पे सिचुएटेड है जो कि महाराष्ट्र के गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। इसे खजुराहो ऑफ विदर्भ के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही भव्य मंदिर है, अच्छा मंदिर है। मरकंडेश्वर टेम्पल नागर ग्रुप ऑफ टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता है। 3 टेम्पल स्टाइल्स होती हैं, आपने आर्ट एंड कल्चर में हो सकता है पढ़ा हो, नागर स्टाइल, द्रविणियन स्टाइल एंड बेसर स्टाइल। नागर स्टाइल जो कि नॉर्थ इंडिया में काफ़ी प्रेवलेंट है, द्रविणियन स्टाइल जो कि साउथ इंडिया में काफ़ी प्रेवलेंट है, और बेसर स्टाइल एक्चुअली में एक हाइब्रिड स्टाइल होती है जिसमें नागर और द्रविण दोनों के ही फीचर्स मिल जाते हैं। अगर स्टाइलिस्टिक ग्राउंड पे बात किया जाए जिस तरीके से इस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया गया है, बनाया गया है, तो ये कहा जा सकता है कि इस टेम्पल को 9th to 12th century के बीच में किसी समय बनाया गया होगा। ये टेम्पल शैव, वैष्णव और शाक्त फेथ से बिलोंग करता है। शैव वैष्णव फेथ के बारे में तो हो सकता है नाम से ही क्लियर हो रहा है, आपको पता होगा ये शिव भगवान पर सेंटर्ड फेथ होता है, वैष्णव विष्णु भगवान पर सेंटर्ड फेथ होता है। शाक्त फेथ में एक्चुअली में गॉडेस की पूजा की जाती है, गॉडेस शक्ति की पूजा की जाती है। मोस्ट ऑफ द जो टेम्पल्स हैं उनका प्लान बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको अर्ध मंडप मिलेगा, फिर मंडप मिलेगा, फिर अंतराल मिलेगा, उसके बाद गर्भगृह। इनका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अर्ध मंडप एक्चुअली में हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर का एक एंट्रेंस का पार्ट होता है, जहाँ पर आप इसे एक एंट्रेंस पोर्च कह सकते हैं। पोर्च का मतलब बरामदा होता है। तो ये ट्रांजिशनल एरिया होता है जो बाहर मंदिर का एरिया है, उसके बाद जब आप टेम्पल के मंडप में एंट्री करते हैं तो उसके पहले अर्ध मंडप आता है। तो आप इसे मैप में देखना चाहें या फिर एक इमेज में देखना चाहें तो ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर अर्ध मंडप लिखा भी गया है, तो ये जो एरिया है ये अर्ध मंडप का है, ये टेम्पल के आउटसाइड का एरिया है और ये मंडप का एरिया है। मंडप के एरिया में एक्चुअली में भजन कीर्तन या फिर कोई भी अगर संगीत होना है, ईश्वर की आराधना के लिए कोई नृत्य किया जाना है, तो ये मंडप में ही हुआ करता था, आज भी होता है। तो मंडप में जाने से पहले जो एक ट्रांजिशन फेज आता है, एरिया आता है, उसे ही अर्ध मंडप कहा जाता है।
तो अर्धमंडप और मंडप ये तो आपने यहीं पर देख लिया। गोपुरम क्या होता है? गोपुरम एक्चुअली में मॉन्यूमेंटल एंट्रेंस टावर होता है। जब भी आप किसी टेम्पल में एंट्री करते हैं, बेसिकली आप जो बहुत ही भव्य गोपुरम है वो साउथ इंडियन टेम्पल्स में देख सकते हैं, द्रविड़ियन स्टाइल में देख सकते हैं। द्रविड़ियन आर्किटेक्चर का बहुत ही की पार्ट होता है। बल्कि गोपुरम बनवाने के लिए तो होड़ मची रहती थी किंग्स के बीच में। जिसका गोपुरम जितना ज़्यादा बड़ा होता था उसकी ग्लोरी उतनी ज़्यादा बड़ी होती थी। जब भी कोई राजा कोई युद्ध जीत कर आता था तो वो टेम्पल के गोपुरम को और बड़ा कर देता था। रिजल्ट ये निकला कि टेम्पल्स छोटे छोटे रह गए और गोपुरम जो कि एग्जैक्टली एक एंट्रेंस टावर हुआ करता था, एंट्रेंस गेट आप कह लीजिए, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो साउथ इंडियन या द्रविड़ियन स्टाइल टेम्पल्स में आप गोपुरम बहुत बड़े बड़े पा सकते हैं। तो गोपुरम एक एंट्रेंस पार्ट होता है। गर्भगृह सैंक्टम सैंक्टोरम होता है, मतलब एक पवित्र स्थान होता है जहाँ पर भगवान की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। वहीं पर जाकर हम पूजा आरती सब कुछ करते हैं। तो अगर आप इसे इमेज में देखना चाहें तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ब्लू कलर में जहाँ पर पॉइंटर है, ये गर्भगृह है। यहाँ पर भगवान की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। टेम्पल का ये जो एक कर्व्ड टावर होता है उसे शिखर कहा जाता है। शिखर के ऊपर आमलक होता है और आमलक के सबसे ऊपर एक कलश रखा जाता है। तो मार्कंडेश्वर टेम्पल का भी यही आर्किटेक्चर है जो यहाँ पर आपके सामने दिखाया गया है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर अवेल की मार्कंडेश्वर टेम्पल के बारे में। अगला आर्टिकल काकीनाडा होप आइलैंड के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखिए, एक प्रोजेक्ट चल रहा था, प्रोजेक्ट का नाम था डेवलपमेंट ऑफ काकीनाडा होप आइलैंड कोनासीमा आंध्र प्रदेश एज वर्ल्ड क्लास कोस्टल एंड इको टूरिज्म सर्किट। ये इस प्रोजेक्ट का नाम था। इस प्रोजेक्ट के तहत इस पूरे होप आइलैंड को कुछ इस तरीके से डेवलप करना था ताकि वहां पर टूरिज्म इंसेंटिवाइज हो, ज़्यादा टूरिस्ट वहां पर विजिट करें। इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया जा रहा था, इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा था स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत। और न्यूज़ ये है कि ये प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट हो चुका है। होप आइलैंड के बारे में जान लीजिए। होप आइलैंड एक टैडपोल शेप्ड आइलैंड है जो 200 साल पहले सैंड फॉर्मेशन से बना था ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के पास में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। टैडपोल शेप का मतलब, टैडपोल एक्चुअली में मेढक के लार्वा को कहा जाता है। तो उसका शेप बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा आप यहाँ मैप में होप आइलैंड के लिए देख पा रहे हैं। ये सिचुएटेड है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर और श्री कुकुटेश्वर स्वामी टेम्पल से भी लगभग इसकी उतनी ही दूरी है। अब बात स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में भी कर लेते हैं। स्वदेश दर्शन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की एक फ्लैगशिप स्कीम थी जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी। लॉन्च किया गया था 2014-15 में। ऑब्जेक्टिव ये था कि कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए टूरिज्म डेस्टिनेशंस की, ताकि टूरिस्ट का जो एक्सपीरियंस है वो बेहतर हो, लाइवलीहुड एनहेंस हो, आसपास के रीजन में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी जेनरेट हो। प्रोजेक्ट में किस पार्टिकुलर साइट को सेलेक्ट किया जाएगा या आइडेंटिफाई किया जाएगा, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट्स या यूटीज के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंसल्टेशन करके डिसाइड किया जा रहा था। कुछ सर्किट्स भी डेवलप किए गए हैं स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत ताकि टूरिज्म को इन्हेंस किया जा सके, जैसे बुद्धिस्ट सर्किट, कोस्टल, डेजर्ट, इको, हेरिटेज, हिमालयन, कृष्णा, नॉर्थ ईस्टर्न, रामायण, रूरल, स्पिरिचुअल, सूफी, तीर्थंकर, ट्राइबल एंड वाइल्ड लाइफ सर्किट्स। तो ये वेरियस सर्किट्स के नाम हैं जो कि स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत डेवलप किए गए। तो अगला आर्टिकल बाल गंगाधर तिलक के बारे में है। अभी कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें ट्रिब्यूट दिया, श्रद्धांजलि दी। बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है, वो एक इंडियन नेशनलिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे और एक लॉयर भी थे। ब्रिटिशर्स अक्सर उन्हें द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा करते थे। उनका ऐसा मानना था कि इंडिया में जो अनरेस्ट शुरू हुआ है उसकी शुरुआत इनके द्वारा की गई है। उन्हें एक ऑनरेरी टाइटल भी दिया गया था, दैट इज लोकमान्य। लोकमान्य का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसे हर व्यक्ति एडमायर करता हो, या फिर एक्सेप्टेड बाय द पीपल और एडमायर्ड बाय द पीपल। उन्हें फादर ऑफ स्वराज के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने स्वराज को इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंस मूवमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया। उन्होंने स्वराज और सेल्फ रूल, स्वराज से उनका मतलब सेल्फ रूल से था, उसे स्ट्रांगली एडवोकेट किया। इसी दौरान उन्होंने बंगाल विभाजन या बंगाल स्प्लिट के 1905 के इवेंट के बाद स्वदेशी मूवमेंट को भी बहुत ही एक्टिवली स्टार्ट किया था। 1890 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। उनके द्वारा दो न्यूज़पेपर्स भी स्टार्ट किए गए थे, केसरी जो कि मराठी लैंग्वेज में था और मराठा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था। उन्होंने उनको उनके नाम के साथ एक पॉलिटिकल रिजीम जुड़ा हुआ है।
उनके नाम के साथ नाम जुड़ता था बिपिन चंद्र पाल का और लाला लाजपत राय का। इन्हें कंबाइंडली लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को भी ऑर्गेनाइज किया था। किसके साथ? गोपाल गणेश आगरकर और महादेव वल्लभ नाम जोशी और विष्णु शास्त्री चिपलुंकर जी के साथ। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का उद्देश्य क्या था? इस सोसाइटी का उद्देश्य यंग इंडियंस को नेशनलिस्ट आइडियाज के बारे में जानकारी देना था और इंडियन कल्चर पर इम्फेसिस करना था। इनके द्वारा ऑल इंडिया होम रूल लीग को भी स्टैब्लिश किया गया था 1916 में। किसके साथ? जोसेफ बतिस्ता, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ। उन्होंने गणेश भगवान की जो हाउस होल्ड वर्शिपिंग होती थी उसे सार्वजनिक गणेशोत्सव में कन्वर्ट कर दिया 1894 में। गणेश चतुर्थी को, जिसको तिलक जी के द्वारा शुरू किया गया था, आज महाराष्ट्र के कुछ या उसके आसपास के स्टेट्स में बहुत ही प्राइम फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उन्होंने शिव जयंती के सेलिब्रेशन को भी बहुत हाईलाइट किया। छत्रपति शिवाजी की बर्थ एनिवर्सरी को बहुत हाइप करके सेलिब्रेट करने की शुरुआत तिलक जी के द्वारा की गई। इनका उद्देश्य इन सेलिब्रेशंस को हाइप करने का ये था ताकि लोगों के अंदर एक यूनिटी की फीलिंग आ सके। जब लोग एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे तो उनके मन में ये भावना आएगी कि हम सभी एक हैं और अगर हमें समस्या पड़ती है तो एक साथ मिलकर हमें लड़ाई भी लड़नी है। 2007 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कॉइन भी रिलीज किया था उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी को कॉमेमोरेट करने के लिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज वॉज वर एसोसिएटेड विद फाउंडिंग ऑफ होम रूल मूवमेंट ऑफ 1916। ऑप्शंस हैं एनी बेसेंट, मैडम ब्लावेट्स्की, एओ ह्यूम और बाल गंगाधर तिलक। जवाब आपको पता है, द आंसर इज 1 and 4, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। मैडम ब्लावेट्स्की थियोसॉफिकल सोसाइटी से एसोसिएटेड थी जबकि एओ ह्यूम इंडियन नेशनल कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट से एसोसिएटेड थे। आंसर यहां पर भी बताया गया है, दैट इज सी। अगला आर्टिकल वंधन विकास केंद्र के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक ट्रेनिंग वर्कशॉप अभी कंडक्ट किया गया था इम्प्लीमेंटिंग टीम के लिए, उस टीम के लिए जो वंधन योजना को इम्प्लीमेंट कर रही है। वंधन योजना एक इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और ट्राइफेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। ट्राइफेड का मतलब ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से है। इनका उद्देश्य ये है कि ट्राइबल पॉपुलेशन की लाइवलीहुड को इम्प्रूव किया जाए और उनकी इनकम को बेहतर किया जाए। वंधन विकास कार्यक्रम प्राइमरली एक कॉम्पोनेंट है वंधन योजना का, या फिर वंधन जो स्कीम है उसी का। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की मार्केटिंग पे फोकस करता है। अगर उनको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अच्छे दाम मिल जाएंगे तो उनके लिए उनकी आजीविका चलाना आसान होगा। इसके लिए कई सारे इंटरवेंशंस किए जाते हैं, लाइक सरकार MSP डिक्लेयर कर देती है कि कम से कम इतना दाम तो मिलना ही चाहिए। वंधन विकास जो केंद्र हैं वो स्किल अपग्रेडेशन के लिए काम करते हैं, जो उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज है वो इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, या फिर अपनी स्किल का इस्तेमाल करके वो कैसे ज़्यादा आजीविका के साधन अर्जित कर सकते हैं। इट सीक्स टू कन्वर्ट द ट्राइबल विजडम इनटू रिन्यूमरेटिव इकोनॉमिक एक्टिविटी। ट्राइबल विजडम तो उनके पास पहले से है, उसे कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में कन्वर्ट किया जाए, ये काम वंधन विकास केंद्र करते हैं। जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं वो मेजर सोर्स है लाइवलीहुड का किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, और 20-40% जो उनकी एनुअल इनकम है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से ही निकल के आती है। सो ये काफ़ी मददगार साबित हो जाएगा कि अगर नेचुरल रिसोर्सेज का वो सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ, उसका सस्टेनेबल यूज़ कर पाएँ, उनकी लाइवलीहुड का सोर्स भी बन जाए। टिपिकली जो वनधन विकास केंद्र होते हैं, एक वनधन विकास केंद्र में कई सारे वनधन विकास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, और ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ये ग्रास रूट लेवल पर प्रोक्योरमेंट का काम करते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का। ये उसको खरीद लेते हैं और उनको भी ट्रेन किया जाता है कि वो जो चीज़ें खरीद रहे हैं उसे कैसे मार्केट में बेचेंगे, उनकी कैसे प्रोसेसिंग करेंगे, क्योंकि अगर ये SHGs उनको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, बेच नहीं पाएंगे, तो वो खरीदेंगे कैसे, और वो खरीद के नुकसान तो सहेंगे नहीं, तो उनको इस बात के लिए भी ट्रेनिंग दे दी जाती है। तो ये पूरा आर्टिकल वंधन विकास केंद्र के बारे में। देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल एक रिव्यू लिस्ट के बारे में है जो कि आइकॉनिक टूरिस्ट साइट से बिलोंग करेगी। कॉन्टेक्स्ट ये है कि यूनियन कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने अभी एक कमेटी को सेटअप करने का अप्रूवल दे दिया है जो कि साइट्स को रिव्यू करेगा कि उन्हें आइकॉनिक टूरिस्ट साइट की लिस्ट में रखा जाए या ना रखा जाए। थोड़ा और बैकग्राउंड लेंगे तो और आराम से क्लियर हो जाएगा। देखिए, जुलाई 2018 में जो उस समय के टूरिज्म मिनिस्टर थे, फिर से रिपीट करता हूँ, जुलाई 2018 में जो उस समय के टूरिज्म मिनिस्टर थे उनका नाम था KJ अल्फोंस। उन्होंने ये कहा था कि 17 आइकॉनिक साइट्स को डेवलप किया जाएगा, 17 आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स को डेवलप किया जाएगा ताकि वहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके और टूरिस्ट के
जो एक्सपीरियंस हैं उनको बेहतर किया जा सके। तो अभी वापस एक कमेटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि लास्ट वीक जो यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने ये कहा कि जो उड़ीसा का कोणार्क सन टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल पुरी का है, उसे भी आइकॉनिक टूरिस्ट साइट के लिस्ट में रखा जाना चाहिए, उनका भी डेवलपमेंट किया जाना चाहिए ताकि टूरिस्ट वहाँ पर भी अट्रैक्ट हो। इसी चीज़ को बैकग्राउंड में लेते हुए एक कमेटी को सेटअप किया जा रहा है जो ये देखेगा कि कौन सी साइट को और इस प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है, जो आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स हैं उनके डेवलपमेंट के मैकेनिज्म में, ताकि उन्हें डेवलप किया जा सके। कई सारी साइट्स को ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया जा चुका है, जैसे कि ताजमहल और फतेहपुर सीकरी को उत्तर प्रदेश से, अजंता और एलोरा की गुफाओं को महाराष्ट्र से, हुमायूं टॉम, रेड फोर्ट और कुतुब मीनार को दिल्ली से, कोलवा बीच को गोवा से, आमेर फोर्ट को राजस्थान से, सोमनाथ और धौलावीरा को गुजरात से, खजुराहो टेम्पल को मध्य प्रदेश से, हम्पी को कर्नाटका से, महाबलीपुरम को तमिलनाडु से, काजीरंगा आसाम, कुमाराकॉम जो कि बैकवाटर्स के लिए जाना जाता है केरला से, और महाबोधि टेम्पल को बिहार से। ऐसी साइट्स को ऑलरेडी इंक्लूड किया जा चुका है इस प्रोजेक्ट में। कई सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होंगी, रेलवे और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी इस प्रोजेक्ट का पार्ट होंगी, हालांकि टूरिज्म मिनिस्ट्री नोडल एजेंसी होगी। नोडल एजेंसी सेंटर में होती है, वो कोऑर्डिनेशन इंश्योर करती है और ये देखती है कि प्रोजेक्ट अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, इन आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स को डेवलप करने के लिए ही एक और स्कीम लॉन्च की गई थी, नाम था अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम, जिसका मोटो था अपनी धरोहर अपनी पहचान। 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसे लॉन्च किया था, अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम। ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का और स्टेट्स और यूटीज का। जो प्रोजेक्ट था उसका उद्देश्य ये था कि एक सिनर्जी डेवलप की जाए सभी पार्टनर्स के बीच में, ताकि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रमोट किया जा सके, अच्छी तरीके से जो टूरिस्ट आए वो वहाँ पर घूम सकें, उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो। इसमें पब्लिक सेक्टर कंपनीज को, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को भी इन्वॉल्व करने की बात की गई थी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि वो अपनी हेरिटेज को कैसे डेवलप कर सकते हैं और कैसे वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है। और इसके लिए जो प्राइवेट कंपनीज या पब्लिक एंटिटीज किसी पार्टिकुलर साइट्स को डेवलप करने के लिए अपने हाथों में लेते हैं, उन्हें मॉन्यूमेंट मित्रास कहा जाता है। और किसी भी साइट को किसी पार्टिकुलर कंपनी को इस बेसिस पर दे दिया जाता है, उनका विजन क्या है उस पार्टिकुलर साइट को लेकर, वो कैसे उसे डेवलप करना चाहते हैं, इसी बेसिस पर वो साइट उनको दी जाती है कि अपनी जो CSR की एक्टिविटीज हैं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंपनीज को अपनी प्रॉफिट का एक हिस्सा सोशल एक्टिविटीज में खर्च करना होता है, उस हिस्से को वो खर्च करके उस मॉन्यूमेंट के डेवलपमेंट को बेहतर करेंगे। इसके एवज में उन्हें उस मॉन्यूमेंट के प्रिमाइस में लिमिटेड विजिबिलिटी भी मिलेगी। इसका मतलब कि वो अपने एडवर्टीजमेंट को थोड़ा बहुत वहाँ पे लगा पाएंगे, खुद को प्रमोट कर पाएंगे और जो इनक्रेडिबल इंडिया की वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ पर भी उन्हें जगह मिल जाएगी, वो वहाँ पर अपना छोटा सा बैनर वगैरह पोस्ट कर सकते हैं। सो फार अभी तक रेड फोर्ट और गांडीकोंडा फोर्ट को, जो कि आंध्र प्रदेश में है, डालमिया ग्रुप को दे दिया गया है, मतलब डालमिया ग्रुप उसके लिए मॉन्यूमेंट मित्र बन चुके हैं, और कुतुब मीनार और जनता केव्स को यात्रा जो एक ऑनलाइन पोर्टल है उनको दिया जा चुका है। तो अगला आर्टिकल उड़ीसा के रसगुल्ला के बारे में है, फाइनली उसे भी GI टैग दिया जा चुका है। उसे भी से हमारा क्या मतलब है, उसे भी से हमारा मतलब इसलिए है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा था वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बीच में रसगुल्ला को लेकर, कि आखिर रसगुल्ला का ओरिजिन कहाँ से है और उसका GI टैग किसे मिलना चाहिए। ये जो GI टैग दिया गया है विद द नंबर 612, ये उड़ीसा को दूसरा GI टैग दिया गया है। इसके पहले कांधामल हल्दी को भी GI टैग उड़ीसा में दिया जा चुका है। ये टैग काफ़ी लंबे डिबेट के बाद मिला है, जब भी डिबेट चल रही थी उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बीच में, उड़ीसा कहता था कि रसगुल्ला वहाँ से बिलोंग करता है, उन्हें GI टैग मिलना चाहिए, वेस्ट बंगाल कहता था कि बंगला रसगुल्ला हमेशा से पूरे भारत में फेमस रहा है, तो जो GI टैग मिलना चाहिए वेस्ट बंगाल को मिलना चाहिए। अल्टीमेटली इस कंटेस्ट में 2017 में वेस्ट बंगाल की जीत हुई और जो वेस्ट बंगाल का बंगला रसगुल्ला था उसे GI टैग दे दिया गया। उड़ीसा फिर भी मांग कर रहा था कि उनके रसगुल्ला को भी GI टैग मिलना चाहिए। जो वेस्ट बंगाल है उसका ये मानना है कि रसगुल्ला को 19th century में नोबिन चंद्र दास जी के द्वारा कोलकाता में इन्वेंट किया गया था, जबकि उड़ीसा के लोगों का ऐसा मानना है कि ये रसगुल्ला का जो इन्वेंशन है ये इतना नया नहीं है। नीलाद्री बीजे का जो एक ट्रेडिशन है, परंपरा है, जिसमें जगन्नाथ भगवान को और लक्ष्मी माता को रसगुल्ला 12वीं शताब्दी के समय से ही खिलाया जाता रहा है, मतलब उड़ीसा में रसगुल्ला की परंपरा बहुत पुरानी है, तो ओरिजिन जो इसका है वो रसगुल्ला का उड़ीसा से है, तो उन्हें GI टैग मिलना चाहिए। तो पहले वेस्ट बंगाल को दिया गया था, अब उड़ीसा को भी दे दिया गया, मतलब दोनों के अपने स्पेसिफिकेशन हैं रसगुल्लास के, दोनों स्वादिष्ट होते हैं, दोनों को GI टैग दिया जा चुका है। अब उनके पास सर्टिफिकेट है, दोनों के अलग अलग नाम है और दोनों की अपनी अलग अलग डेडिकेसी है, तो ठीक है, अच्छी बात है, उड़ीसा को भी ये GI टैग मिल गया।
अब देखिए जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है उसका मतलब क्या होता है, ये कोई साइन होता है जिसका इस्तेमाल किसी प्रोडक्ट को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। ये इंडिकेशन ये दिखाता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल ओरिजिन का है, ये यहीं पर ओरिजिनेट हुआ था, यहीं पर इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी पाई जाती है, उसकी एक अच्छी क्वालिटी है और उसके ओरिजिन की वजह से उस जगह पर उसकी काफ़ी अच्छी रिप्यूटेशन है। इन्हीं चीज़ों को संज्ञान में लेकर किसी चीज़ को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दे दिया जाता है। जो GI है वो पार्टिकुलर प्लेस पर ओरिजिन हो, ये एक प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है। तो देखिए GI टैग्स TRIPS एग्रीमेंट के तहत दिए जाते हैं। TRIPS का फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब देखिए इंडिया चूंकि WTO का मेंबर है तो उसी वजह से इंडिया ने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1919 तैयार किया था और ये 15 सितंबर 2003 से फोर्स में आ गया था। दार्जिलिंग टी पहला ऐसा कोई प्रोडक्ट था जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग इंडिया में दिया गया था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने है, जो इंटरनेशनल लेवल पे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या GI टैग दिया जाता है वो किस कानून के तहत गवर्न होता है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, दूसरा ऑप्शन है एग्रीमेंट ऑन ट्रांसनेशनल रिसोर्सेस, तीसरा है इंटेलेक्चुअल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, और चौथा है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को। हम पहले भी बात कर चुके हैं ये TRIPS के तहत दिया जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है मिनी खजुराहो के बारे में, क्या का टेक्स्ट है? तो देखिए जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये आपका रिस्टोर कर रहा है एक ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जो है आपका मार्कंडेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, एंड कहाँ पे है ये? गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है एंड ये महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ के कुछ जो टेम्पल्स है इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिस्टोर कर रहा है। अब इन टेम्पल्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं तब आपको पता चलेगा कि मिनी खजुराहो क्या है। ये जो टेम्पल्स हैं ये कब बनाए गए थे? दीज वर बिल्ट बिटवीन 9th to 12th centuries, ठीक है, एंड इनके रफली 24 डिफरेंट टेम्पल्स तक होने की आशंका भी की गई है। फिर उसके बाद देखिए जो मेन जो टेम्पल है वो आपका लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एंड इसको बोलते हैं मार्कंडाओ या फिर मार्कंडेश्वर, ठीक है। तो अगर ऐसा कभी मैट्रिक्स मैच में आ जाए कि मार्कंडेश्वर टेम्पल इज फेमस फॉर, ठीक है, या लॉर्ड विष्णु लॉर्ड शिवा ऐसे, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा लॉर्ड शिवा, ठीक है। एंड जो ये है कहाँ पे? ये मार्कंडेय विलेज में है विच लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ वेन गंगा रिवर, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए ये फेमसली जाने जाते हैं आपके मिनी खजुराहो के नाम से या फिर खजुराहो ऑफ द विदर्भा रीजन, ठीक है। फिर दे बिलोंग टू शैव्य वैष्णवा एंड शक्ति फेथ। एंड अगर टेम्पल आर्किटेक्चर का टाइप पूछा जाए तो ये नागरा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स को बिलोंग करते हैं जो कि नॉर्थ इंडिया में फेमस थे, ठीक है। आपने पढ़ा होगा नागरा एंड द्रविड़ा टाइप के, ठीक है, तो ये आपके नागरा से बिलोंग करते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में, तो क्या कंटेक्स्ट है? तो देखिए कंटेक्स्ट ये है कि काफ़ी सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं अपना हमारे देश में 300 से ज़्यादा ऐसा अभी रिपोर्ट्स आई है, ठीक है, उनको क्या हो रहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनक्रोचमेंट होते जा रहा है, ठीक है। लोग जैसे सपोज करिए ये मॉन्यूमेंट है एंड इसते के अंदर आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, बट हम देख रहे धीमे धीमे जो आबादी है वो यहाँ इट इज़ गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर, तो जो इनका एरिया है वो क्या होते जा रहा है? श्रिंक होते जा रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स आई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ हम थोड़ा सा एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड ये जो एक्ट है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए हमारे देश में एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स के लिए एक बहुत फेमस एक्ट है जिसको आप लोग को पता होना चाहिए, उस एक्ट का नाम है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958। ये देखिए मैंने जो ये आपको स्क्रीन पर हाईलाइट भी किया है, ठीक है। अब ये देखिए एंशिएंट मॉन्यूमेंट को भी डिफाइन करता है, ठीक है, कि इसके अकॉर्डिंग एंशिएंट मॉन्यूमेंट कोई भी आपका रॉक हो गया, रॉक केव हो गया, या फिर कोई भी आपका हिस्टोरिकल प्लेस हो गई या आर्कियोलॉजिकल या आर्किटेक्टिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, जो कि आपका 100 साल से पहले का बना हो, ये चीज़ याद रखिएगा, विच हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर नॉट लेस देन 100 ईयर्स, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अगर 100 साल पुराना है तभी हम उसको मॉन्यूमेंट की कैटेगरी में डालते हैं। बेसिक मुझे ये डेफिनेशन आपको याद नहीं रखनी है, बट आपको ये 100 ईयर्स वाली याद रखनी है जो कि ये एक्ट बताता है। तो आप लोग समझ गए कि किसको मॉन्यूमेंट बोलेंगे। एंड फिर उसके बाद जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इस पर भी डायरेक्टली एज अ बॉडी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए ये किसके अंडर आती है, ये आपकी पहली बात आती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर, एंड ये जितना भी आपके आर्कियोलॉजिकल रिसर्च है एंड जितना भी ये कल्चरल मॉन्यूमेंट्स है इनकी प्रोटेक्शन पे यही जो मेन प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी जिम्मेदारी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सो
फिर ये देखिए बनी कब थी, तो ये 1861 में बनी थी अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा, ठीक है। एंड ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि भाई ये भी जो बॉडी है वो क्या है, आपकी प्री इंडिपेंडेंस एरा की है, ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहला पहले की बनी हुई है, ठीक है। सिमिलरली आपकी जो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये भी आपकी जो बनी है ये भी आपकी प्री इंडिपेंडेंस में बनी है, तो ये दो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप का आता है, आपको तीन चार बॉडी दे देंगे वो, एंड देन वो पूछेंगे कौन सी बॉडी इंडिपेंडेंस से पहले बनी है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पहले बनी है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एंड कब बनी थी, 1861 में, किसके द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा बनाई गई थी। फिर देखिए जितनी भी आपकी आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है उसको यही रेगुलेट करती है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एंड किस एक्ट के अंदर, तो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एक्ट, इसके अंदर। तो बेसिकली इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो आपके इस बॉडी के हाथ में है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में भी समझ लेते हैं। तो देखिए हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में आप याद रखिएगा सबसे ज़्यादा है 745, एंड उसके बाद कर्नाटका में 506, एंड उसके बाद है तमिलनाडु में, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए कि वो इस टाइप का स्टेटमेंट पूछ सकते हैं कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा आपका हाईएस्ट नंबर ऑफ साइट्स है ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो आपका आंसर होगा यूपी, देन फॉलोड बाय कर्नाटका, देन फॉलोड बाय तमिलनाडु। नेक्स्ट आर्टिकल है संगीत नाटक अकेडमी के बारे में, क्या कंटेक्स्ट है। तो देखिए संगीत नाटक अकेडमी ने बहुत सारे जो वो पुरस्कार देती है, उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार, ये 2018 के लिए अनाउंस कर दिए किन किन को मिलना है। देखिए ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, अब इतने छोटे छोटे ऐसे आप प्राइजेज अगर आप देखने लग गए तो पर्सन इन न्यूज़ जनरली यूपीएससी में नहीं आता, बट हाँ जो ये संगीत नाटक अकेडमी है इस पर क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है। तो क्या है ये, तो देखिए ये जो एकेडमी है ये आपकी एपिक्स बॉडी है फॉर व्हाट, फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स इन द कंट्री, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स आपकी होती है डांस ड्रामा ये सब की, एंड इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इन सबको प्रिजर्व किया जाए। फिर थोड़ा सा और अगर इस बॉडी के बारे में बात करें तो ये किसके अंडर आती होगी, तो आपने सही गेस किया है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर। ये सेटअप देखिए कब हुई थी, तो ये आपकी 1952 में सेटअप की गई थी, एंड इसकी जो ऑपरेशंस थे वो स्टार्ट हुए थे 1953 में, तो यानी ये बॉडी कब बनी है, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस बनी है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर इनके द्वारा देखिए कुछ कुछ अवार्ड्स एंड फेलोशिप्स भी दी जाती है, जैसे संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, ठीक है, ये दिया जाता है आपके पास जितने भी प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट हैं, गुरुज हैं, स्कॉलर्स हैं, जो बिल्कुल नेशनल लेवल का पे होते हैं उनको दिया जाता है। फिर देखिए उसके बाद ये कुछ कुछ फेलोशिप भी देती है, एंड किनको देती है, डिस्टिंग्विश्ड इंडिविजुअल्स फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ आर्ट्स म्यूजिक डांस थिएटर, ये सब बस देती है, ठीक है, ये भी हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए। एंड ये मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ये पिछले आर्टिकल की हेडिंग है, इसमें नहीं आएगी, इसे आप काट सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए जो इनका एक और ये जो अवार्ड है उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार, ये किसको दिया जाता है, तो ये उन आर्टिस्ट को दिया जाता है जिनकी 40 साल से कम है एज, ये चीज़ ध्यान रखिए, एंड वही किसके लिए, आपका एक्सेप्शनल टैलेंट हो अगर म्यूजिक डांस एंड ड्रामा में, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा 40 ईयर्स से कम में दिया जाता है। एंड जो टैगोर रत्न या फिर टैगोर पुरस्कार है, ठीक है, ये कन्फर्म किया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, ये भी उतना खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको बस थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।